नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बारे में। जी हां दोस्तों, ये बॉलीवुड की अभी तक की सबसे महंगी फिल्म है जिसका बजट है 230 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, इस फिल्म में आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा शना शेख लीड रोल में है। जी हां दोस्तों, इस फिल्म का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहने वाला है, पहले दिन का जो प्रेडिक्शन है वो है 50 करोड़ रुपए का, क्योंकि यह दिवाली के एक दिन बाद धोख पड़वा वाले दिन रिलीज होने वाली है। इसी दिन पिछले 3 साल पहले शाहरुख खान की हैप्पी न्यू ईयर रिलीज हुई थी जिसने कमाए थे 45 करोड़ रुपए। तो दोस्तों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से पहले दिन का जो कमाई का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं वो है 50 करोड़ रुपए का। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आमिर खान की जो फिल्म आई थी दंगल, उसने कमाए थे 29 करोड़ 73 लाख रुपए। उससे पहले आई थी उनकी धूम 3 जिसने कमाए थे 32 करोड़ 76 लाख रुपए पहले दिन में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हो सकता है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अपने पहले दिन 50 करोड़ रुपए की भी कमाई कर ले, क्योंकि इस फिल्म का जो अभी तक ट्रेलर आया है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसे अभी तक 55 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ भी मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आमिर खान फिरंगी के किरदार में नज़र आ रहे हैं, वहीं जो अमिताभ बच्चन है वो आज़ाद के किरदार में नज़र आने वाले हैं। आपको बता दें कि ये 1795 के टाइम की स्टोरी है जिसमें अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों पर जुर्म करने की कहानी बताई गई है, जिसके अगेंस्ट खड़े होते हैं आज़ाद, जो कि अमिताभ बच्चन जी हैं, और उन्हीं का साथ दे रही है इसमें फातिमा शना शेख। दोस्तों इस फिल्म का बजट है वो 230 करोड़ रुपए का है, तो अगर इस फिल्म को अगर हिट होना है तो इस फिल्म को कमाई करनी होगी 460 करोड़ रुपए। वहीं इस फिल्म को सुपर हिट होने के लिए कमाने होंगे 600 करोड़ और ब्लॉकबस्टर होने के लिए कमाने होंगे 700 करोड़ रुपए। और अगर ये फिल्म 200 करोड़ से कम की कमाई करती है तो ये फिल्म हो जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म अपने पहले दिन 50 करोड़ की कमाई कर पाएगी और क्या ये 500 करोड़ का आंकड़ा पार कर पाएगी या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।